हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉयड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच को कंपेयर करने वाला हूँ नॉइस के कलर फिट प्रो 2 के साथ। और इन दोनों में आपको जो है वो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। सो गाइज, बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच जो है वो, इसमें आपको 1.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है। और 1.3 इंच का डिस्प्ले आपको नॉइस के भी स्मार्ट वॉच में मिलता है, नॉइस कलर फिट प्रो 2 के साथ। तो दोनों ही में आपको जो है वो 1.3 इंच का जो है वो डिस्प्ले मिलता है। और दोनों का रिजोल्यूशन भी बिल्कुल सेम है, 240x240 आपको जो है वो रिजोल्यूशन मिलता है दोनों में ही आपको। और जो बोट का डायल है वो आपको जो है वो एक स्क्वायर डिज़ाइन में मिलता है। और जो नॉइस का कलर फिट 2 प्रो जो स्मार्ट वॉच है, इसमें आपको जो है वो रेक्टेंगुलर डिज़ाइन जो है वो मिलता है उसके डायल का। और दोनों ही में आपको जो है वो डिस्प्ले, कलरफुल डिस्प्ले मिलता है टच स्क्रीन के साथ। बट यहाँ पे एक कर्व डिज़ाइन मिलता है, बोट स्टॉर्म में आपको 2.5D कर्व डिज़ाइन मिलता है, जो काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करेगा। सो अब बात करते हैं इन दोनों के हेल्थ में आपको क्या मिलता है। तो दोनों ही में आपको जो है वो हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर मिलता है। तो दोनों ही में आप जो है वो 24x7 अपने हार्ट रेट को जो है वो मॉनिटर कर पाएंगे, ये ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है। बट यहाँ पे दो फीचर एक्स्ट्रा दिए गए हैं आपको बोट स्टॉर्म में। यहाँ पे आप जो है वो बोट स्टॉर्म में आप अपने ब्लड प्रेशर को भी चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अपने ब्लड ऑक्सीजन लेवल को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर का और ब्लड प्रेशर का, और ऑक्सीजन लेवल जो है वो अपने ब्लड का वो भी आप चेक कर पाएंगे। और गाइस, दोनों ही में आपको जो है वो 8 to 10 days का बैटरी बैकअप मिल जाता है। दोनों ही में आपको मैग्नेटिक चार्जर मिलता है। और दोनों ही में आपको जो है वो ब्लूटूथ, एक में आपको मिलता है ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट नॉइस के कलर फिट प्रो 2 में, और बोट में आपको जो है वो बोट स्टॉर्म में ब्लूटूथ 4.2 का जो है वो सपोर्ट मिलता है। दोनों ही जो है वो 10 meters के जो है वो रेंज को सपोर्ट करता है। और इन दोनों में जो है आपको वाटर रेजिस्टेंट मिलता है, एक आपको 50 meters तक आपको जो है वो वाटर रेजिस्टेंट मिलता है बोट स्टॉर्म जो है वो उसमें। और नॉइस के कलर फिट प्रो 2 में जो है आपको 1.5 meters का जो है आपको डीप ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको IP68 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट दिया गया है। दोनों ही में आपको जो है वो वाइब्रेशन अलर्ट आपको मिलता है। दोनों ही में आपको एक्टिव ट्रैकर जो है वो आपको मिल जाता है। दोनों ही में आप स्लीप ट्रैक कर सकते हैं और सारे नोटिफिकेशन जो है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। दोनों में आप जो है वो कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं बट उसको रिसीव नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आएगा कि किसका कॉल आ रहा है, ये सब आप देख सकते हैं बट उसको आप रिसीव नहीं कर सकते हैं। रिजेक्शन का जो है वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। और दोनों ही को चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। और इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को जो है आप iOS में भी कॉम्पैटिबल है, और ये जो है वो अपने एंड्रॉयड में भी कॉम्पैटिबल है। तो दोनों ही फ़ोन्स में आप जो है वो यूज़ कर पाएंगे। सो गाइज, ये तो हो गया सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस। अब बताता हूँ कि मेन डिफरेंस क्या होने वाला है इन दोनों स्मार्ट वॉच में, बोट स्टॉर्म में और कलर फिट प्रो 2 में। तो नॉइस कलर फिट प्रो 2 में जो है आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है, ये मैं आपको अब डीप में बताता हूँ। तो फर्स्ट जो है वो आपको मेटल बॉडी मिलता है, बोट स्टॉर्म में आपको मेटल बॉडी मिलता है, और पॉलीकार्बोनेट वाला जो है आपको बॉडी मिलता है, एक प्लास्टिक बॉडी मिलता है आपको नॉइस के कलर फिट प्रो 2 में। तो एक मेटल बॉडी जो है आपको बोट दे रहा है, और वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस में, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और यहाँ पे आपको जो है वो गाइडेंस मिलता है, मेडिटेशन गाइडेंस मिलता है, वो आपको जो है वो उसमें नहीं मिलता है। आपको मेडिटेशन वाला मोड मिलता है बोट स्टॉर्म में, और नॉइस में आपको जो है वो ये ऑप्शन नहीं मिलता है। और आप ब्लड ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर दोनों को जो है आप चेक कर पाएंगे बोट स्टॉर्म में, ना कि आप नॉइस कलर फिट प्रो 2 में। और 2.5D कर्व डिस्प्ले जो है आपको बोट में मिलता है, और जो नॉइस के कलर फिट प्रो 2 जो है वो, उसमें आपको जो है वो सिर्फ प्लेन जो है वो बॉडी उसका मिलता है। उसका जो डिस्प्ले है वो सिर्फ प्लेन है, उसमें आपको कोई भी कर्व डिज़ाइन नहीं मिलता है। और जो बोट है, बोट स्टॉर्म जो स्मार्ट वॉच है, इसमें आपको 100+ वॉच फेसेस मिल जाएंगे। और आगे चलकर एक क्लाउड बेस्ड जो है वो अपडेट किया जाएगा, जिससे आप जो है वो बहुत सारे वॉच फेसेस और स्पोर्ट्स मोड ये सब को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये जो है वो अभी आने वाला है, इसमें एक अपडेट आएगा OTA के थ्रू, जो है आपको जो स्मार्ट वॉच है उसको अपडेट किया जाएगा। और ये फीचर जो है आपको नॉइस के कलर फिट प्रो 2 में जो है वो नहीं देखने को मिलता है। सो गाइज, अब बात करते हैं प्राइस का। तो 1,999 rupees जो प्राइस है वो है बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच का। वहीं आपको नॉइस के कलर फिट 2 प्रो का जो प्राइस है वो है 2,800 rupees। सो गाइज, दोनों में जो है आपको 800 rupees का एक्स्ट्रा जो है वो प्राइस आपको पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पे बहुत कुछ जो है वो फैसिलिटीज़, फीचर्स जो है वो
लैक कर रहे हैं नॉइस के कलरफिट 2 प्रो में। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको कोई स्मार्ट वॉच परचेस करने का सोच रहे हैं तो एक ये अंडर बजट जो है वो एक स्मार्ट वॉच लाया गया है बोट के तरफ से, बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच, तो आप जो है वो इसको परचेस कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जो पसंद हो आप जाकर परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।